दो बच्चों की हत्या के बाद तनाव फैल गया है। नाई पर हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद भड़के हैं स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ की है। बड़ी खबर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आला अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से जमकर बवाल वहां पर हुआ है। और बातचीत करने के लिए चित्रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। चित्रंजन, पब्लिक वहां पर आक्रोश में आ गई है, तोड़फोड़ हो रही है, प्रशासन के आला अधिकारी फिलहाल क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, पब्लिक जैसे ही बॉडी गई थी और उसके बाद पब्लिक मॉब एकदम आमादा हो गया और उस जो नाई था उसकी दुकान को शटर तोड़ दिया गया और उसकी पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया गया। उसके सारे सामान को लगा के पब्लिक ने आग लगा दी है। वहीं एक पास में एक और खोखा था, उसमें अभी आगजनी कर दी है। वहीं मौके पर अभी कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और आईजी मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि आखिर ये घटना क्यों हुई है। जी, फिलहाल जिस तरीके से शुरुआत घटना सामने आई, क्या पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी? घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया? नहीं, पुलिस मौजूद थी मगर इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए थे, तो पुलिस को कंट्रोल करने में परेशानी हुई। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में पुलिस ने कर ली है। फिलहाल क्या परिवारजनों से कोई बातचीत हो पाई है? हाँ, परिवार के लोगों ने ये बताया है कि ये पड़ोस में ही नाई की दुकान थी और वो कैसे ऊपर घर में पहुंच गया और बच्चों को कैसे मार दिया। जब एक छोटा बेटा था, वो जब उसने बताया कि इस तरीके से ये नाई आया है और उसने पूरे जो है दो भाइयों की हत्या कर दी है, तब उन परिजनों को इस बात की जानकारी मिली और उनका साफ साफ कहना है, अगर हम लोग वहां से, वो छोटा भाई और हम वहां से नहीं हटते तो वो हमको भी मार देता। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मारा है, ये अभी फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। मगर परिजन साफ साफ कह रहे हैं कि इस हत्या के पीछे क्या कारण है, अभी हमें साफ साफ नहीं पता है। लेकिन सवाल चित्रंजन ये होता है कि इतनी बड़ी घटना होती है, उसके बाद जो है आगजनी भी वहां पर हो जाती है, पुलिस को वहां पर बल भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हालात नियंत्रण में पुलिस नहीं कर पाती है, पर रखा है। चित्रंजन से हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके के हालात बदायूं में भरे हुए हैं। चित्रंजन बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी बड़ी घटना होती है, कई घंटे तक वहां पर हंगामा होता है, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी वहां पर होती है, पुलिस क्यों स्थिति पर काबू नहीं कर पाई? चूंकि मॉब इतना इकट्ठा हो गया था और पुलिस लगातार समझाने का प्रयास किया, चूंकि ये चौकी के पास का मामला था और पुलिस का परिजनों का आरोप था कि उसने, पुलिस ने मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण नहीं किया और उनको ये मालूम था कि यहाँ पर ये नाई रहता है और उन लोगों ने यहाँ पर एक पूरे मोहल्ले में रह रहे हैं और वो पुलिस की शेल्टर से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसको लेकर पुलिस आक्रोश, वो परिजन आक्रोशित थे और आसपास के लोग आक्रोशित हो गए और जब तक पुलिस पहुंची तब तक उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस जैसे जैसे धीरे धीरे पहुंची है तब स्थिति को नियंत्रण में कर पाई है। बहरहाल शुरुआत में पुलिस ना के बराबर थी और चौकी के मुश्किल से 100 मीटर दूर ये पूरी घटना हो गई। क्या वजह इस पूरे घटनाक्रम के पीछे निकल करके सामने आ रही है, हत्या किस वजह से की गई है और कौन कौन से अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं? अभी मौके पर बदायूं डीएम, एसएसपी सहित जिले के सारे अधिकारी मौजूद हैं, वहीं कमिश्नर पहुंची हुई हैं और आईजी राकेश कुमार जी पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जब हमने परिजनों से इस विषय पे बात करी कि कहीं ये तंत्र मंत्र या जो है कोई अवैध संबंधों को लेकर कहीं ये इस पूरी घटना को अंजाम नहीं दिया है, तो इसको लेकर परिजन अभी साफ साफ स्थिति में तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो सुबह शाम को 4 दुकान बंद करके गया था और जब दोबारा लौट के आया है तो उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था और उससे उन दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारा है। चित्रंजन, जिस तरीके से इस इलाके की अगर हम बात करें तो किस तरीके का ये पूरा इलाका है और जैसा कि आप बता रहे हैं चौकी के पास में ये घटना हुई है, उसके बाद भी क्या चौकी में पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे थे? शाम के टाइम की बात है, तब पुलिस गश्त पे थी और मुश्किल से 2-3 लोग ही यहाँ चौकी पर थे,
वो वहां पर पहुंचे हैं, तब तक वो ये पूरी घटना हो चुकी है। फिलहाल धीरे धीरे जब शुरुआत में पुलिस के जो चौकी क्षेत्र के लोग थे उन लोगों ने इस पूरी घटना को दबाने का प्रयास किया, वो धीरे धीरे जब ये पूरी बात शहर में पता चली तो आसपास के लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए और वहां पर लोग पहुंचे। हाँ, फिलहाल क्या जिन लोगों ने वहां पर आगजनी की है या जिस तरीके से हंगामा वहां पर हुआ है, कोई कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है, कुछ लोगों को पकड़ा गया? अभी पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा है और फिलहाल पुलिस अभी इस दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने की कोशिश कर रही है और परिजनों से तहरीर लेने की प्रयास कर रही है कि और पोस्टमार्टम के बाद आगे की देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। चित्रंजन, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग वहां पर काफी आक्रोश में थे, आगजनी वहां पर की गई है, क्या गाड़ियों को भी आके हवाले किया गया है? गाड़ियों को बचा लिया गया है, लोगों ने डंडे से और पत्थरबाजी शुरू करी थी मगर जैसे ही लोग मॉब इकट्ठा हुआ तो ट्रकों ने और बसों ने आगे पीछे अपना करना शुरू कर दिया। वहीं टेम्पो और ये आसपास के जो लोग थे उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों के साथ मारपीट करी। वहीं कुछ मीडिया कर्मी के फोन भी छीने गए हैं और पुलिस ने कुछ हल्का लाठीचार्ज भी किया है। इसको लेकर जो है अभी भी परिजन अपनी मांग ये कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो और उसने क्यों मारा है इसकी जांच पुलिस करे। बताया जा रहा है कि कई रास्तों को वहां पर रोक दिया गया है जिसके चलते ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है और परिजन जो है काफी देर तक शवों को उठने नहीं दे रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये बदायूं से फर्रुखाबाद और जो लखनऊ को जोड़ने वाला हाईवे है वो ब्लॉक हो गया है और ये इस पूरे रास्ते पे जो बाईपास है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं परिजन जब शव उनके घर पे थे तो उनको उठना नहीं देना चाह रहे थे और ये कह रहे थे पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हम रोकेंगे आपको, जिलाधिकारी का इस पूरी घटना पर क्या कहना है बदायूं के, सुनवाते हैं एक बार। आज शाम को ये सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी की जो मंडी सेंट्रल पुलिस चौकी के पास एक स्थान है उसमें एक युवक ने एक घर में घुसकर उसके पड़ोस का ये घर है जो बच्चों की हत्या कर रहा है, उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको भगाया बजाया गया, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई लोग समझ सकते हैं। कितने बच्चों की मौत हुई है? दो बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं चित्रंजन, आप बता रहे हैं कमिश्नर और आईजी भी मौके पर पहुंच गए हैं, क्या उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है और क्या फोर्स को वहां पर अभी बनाकर रखा गया है? जिस चौकी क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ पर करीब 500 से 700 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और आईजी पहुँचे हुए हैं और कमिश्नर पहुँची हुई हैं, पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों से पूरी मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं कि आखिर ये घटना क्यों हुई है और इस मामले में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनका साफ साफ कहना है कि उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल चित्रंजन, आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारियां अधिकारियों से बातचीत भी कराइए। जरा हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी बने हुए हैं हमारे संवाददाता लगातार। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है बदायूं में जिस तरीके की घटना हुई है, आखिर शासन और पुलिस के आला अधिकारी कितनी गंभीरता इस पूरी घटना पर दिखा रहे हैं? देखिए, तमाम सीनियर अफसर वहां मौके पर पहुंच गए हैं और अभी मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। जो बताया जा रहा है दोनों बच्चों की हत्या का जो आरोपी है वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है, ये जानकारी मिली है कि पुलिस ने जब उसको हिरासत में ले लिया था उस दौरान उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की है और पुलिस टीम के ऊपर जानलेवा हमला किया है और जब आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई है तो मार दिया गया है हत्यारोपी। और अभी कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि जो साजिद नाम का ये आरोपी ये पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। अभी तक जो बताया गया था कि वो ठेकेदार विनोद ठाकुर के दो बच्चों आयुष और अहान 13 वर्ष और 6 वर्ष के जो बच्चे थे उनकी धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई थी और जिसके बाद दूसरे समुदाय का जो आरोपी है साजिद
वो जब भाग रहा था, पुलिस टीम ने उसको घेरा है, उसने पुलिस टीम के ऊपर हमला किया और बड़ी खबर, हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, हत्या का आरोपी नाई मुठभेड़ में ढेर हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त की। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हम बदायूं के पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषभ, क्या आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई है अधिकारियों के द्वारा? देखिए, अभी जो बताया गया है कि वो पुलिस मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गया था, उसको अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि हमारे सोर्सेस की बात कंफर्म करती है कि साजिद की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस अभी भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन का इंतजार कर रही है कि जैसे ही डॉक्टर्स की ओर से इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि साजिद की मौत हो गई है इलाज के दौरान, और पुलिस सामने आकर अपना वर्जन देगी। लेकिन हमारे सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि आरोपी साजिद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। बदायूं के हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। साजिद, जब उसको पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया था, इस दौरान उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया और पुलिस टीम ने जब जवाबी फायरिंग की है तो उसमें साजिद मारा गया है। ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह, घटना को क्यों अंजाम दिया गया, क्यों बच्चों की हत्या की गई, क्या ये वजह अब तक साफ हो पाई है? देखिए, अभी इस बारे में तो कोई भी पुलिस का अफसर स्पष्ट तौर पर बताने को तैयार नहीं है, उनके पास ये जानकारी नहीं है। और जैसा हमें सोर्सेज बता भी रहे हैं, कितना मौका पुलिस को नहीं मिल पाया था कि साजिद से कोई पूछताछ हो सके, लेकिन जो पुलिस ने बताया है, दोनों का घर आमने सामने है, साजिद की नाई की दुकान है और सामने ठेकेदार का घर है, और इसने घर में घुसकर इस निर्ममता के साथ दो बच्चों की हत्या की है। तीसरा उनका जो बच्चा था वो भी घायल था, उसका इलाज चल रहा है। और जब पुलिस को जानकारी मिली साजिद की, तो साजिद की घेरेबंदी की गई थी, और जब साजिद ने पुलिस टीम पर हमला किया है तो पुलिस एनकाउंटर में साजिद मारा गया है। हालांकि ये बात अभी भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल भी ये बात स्पष्ट नहीं की जा रही है कि आखिरकार साजिद ने दो बच्चों की हत्या क्यों की और तीसरे को घायल क्यों किया। अनुपम, ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ, चित्रंजन भी लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। चित्रंजन, कुछ अधिकारियों से बातचीत हो पाई है या कोई अधिकारी अगर आपके आसपास हो तो उनसे आप बातचीत करा सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, आईजी ने इस बात की अभी पुष्टि करी है कि इस मामले में पूरी अभी पुलिस जो है एसएसपी बदायूं इस मामले में पूरा अपडेट देंगे। फिलहाल एनकाउंटर में मारे जाने की पूरी सूचना है और इस मामले में अब पुलिस के अधिकारी पूरा अपडेट देंगे। मैं आईजी साहब से बात करवाना चाहता हूं, अगर आईजी साहब थोड़ा सा इस मामले में अपडेट दे दें। सर फोन है सर। आईजी साहब, क्या जानकारी न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को? सर इस मामले में आईजी ने ये बता दिया है, थोड़ा हिंट दे दिया है कि जो आरोपी नाई था उसका एनकाउंटर हो गया है और उसकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। आपको बता दें, वो अस्पताल में ले जाया गया था, वहां डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। चित्रंजन, आप बने रहिए हमारे साथ, ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, जाहिर तौर पर जिस खबर को आप बता